मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका से भारत लाने की तैयारी चल रही है। 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता आतंकी डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राना का जल्द भारत प्रत्यर्पण हो सकता है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि हेडली के प्रत्यर्पण के लिए सरकार जुटी हुई है। वीके सिंह ने कहा कि सरकार अमेरिकी एजेंसियों से प्रत्यर्पण को लेकर संपर्क में है। भारत और अमेरिका के बीच 1997 में हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत हेडली को भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की टीम ने 13 से 15 दिसंबर तक अमेरिका जाकर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर बातचीत की है। NIA की टीम की अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोनों आतंकी जल्दी भारत की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल दोनों अमेरिका की जेल में बंद है। दोनों खूंखार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करते थे। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी डेविड पर मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 10 देशों के 28 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। मुंबई हमले में शामिल होने के जुर्म में हेडली को अमेरिका में 35 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। उसे इस मामले में गवाह भी बनाया गया है। वीके सिंह ने कहा है कि अमेरिका ने अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर दोषियों की पहचान करने और उन्हें सजा दिलाने कर लेकर प्रतिबद्धता जताई है। इससे पहले आतंकी हेडली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की अदालत में पेश हो चुका है। हेडली पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का आतंकी है, जबकि तहव्वुर राना पाकिस्तानी कनाडाई मूल का है और शिकागो में आवर्जन कारोबार चलाता था। वो हेडली का सहयोगी है और उसके साथ मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल रहा है। हेडली ने मुंबई हमले के लिए पूरी जानकारी जुटाई और पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के आतंकी शिविर में हिस्सा लिया। मुंबई आतंकी हमले से पहले उसने भारत आकर हमले के ठिकानों की रेकी की। हेडली सितंबर 2006 से जुलाई 2008 के बीच 5 बार भारत आया। उसने हमले के ठिकानों की तस्वीरें भी ली थी। मुंबई हमले मामले में 24 जनवरी 2013 को अमेरिका के संघीय अदालत ने हेडली को दोषी करार दिया था और 35 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस हमले को पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने अंजाम दिया था। इस हमले के लिए पाकिस्तान ने अपने फ्रॉगमैन कमांडो के जरिए लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों को ट्रेन किया था। इस बात का खुलासा डेविड कोलमैन हेडली ने अपने कबूलनामे में किया था। उसने बताया था कि कैसे मुंबई में आतंकियों को भेजने के लिए पाकिस्तानी सेना ने लश्कर के फ्रॉगमैन तैयार किए थे। विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि 6 सितंबर को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के दौरान पाकिस्तान से मुंबई, पठानकोट और उड़ी आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने को कहा था। हमले में शामिल कई पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान में ही ट्रायल चल रहा है। गौरतलब है कि भारत की ओर से इन आतंकियों के खिलाफ जल्द से जल्द फैसला सुनाए जाने की मांग की जाती रही है। हालांकि पाकिस्तान का रवैया इस मसले पर टालम टोल वाला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।